Have a nice day, student. Today we take chapter 10, circle, class 10. अब class 10th में आज हम लोग circle chapter के बारे में कल basic knowledge तो आपको दे ही दिए थे, है ना? Objective type के कुछ question बताए थे. आज chapter शुरू करते हैं. तो circle में कुछ important theorem हैं, तीन या चार हैं minimum या maximum. तो और इन थ्योरमों से एक आपको परीक्षा में जरूर पूछी जाती है. तो सर्किल चैप्टर ने पहली थ्योरम लिए हैं, है ना? आईएमपी थ्योरम लिखा है. आईएमपी का मतलब है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट थ्योरम. बोर्ड के हिसाब से जो इम्पॉर्टेंट है उस तरह की थ्योरम है जो पूछी ही जाती है. तो पहला थ्योरम है आपकी प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रा एट द एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर ऑफ ए सर्किल आर पैरेलल. कल आपको बताए थे कि डायमीटर के एंडिंग पॉइंट से यदि हम कोई भी लाइन ड्रा करें तो हमेशा वो लाइन पैरेलल होती है. तो सबसे पहले आपको तो इतना दिया ही रहेगा, फिगर ध्यान रखिएगा. यदि आप ज्योमेट्री पोर्शन पढ़ रहे हैं और यदि फिगर नहीं बनाते हैं तो आपको उसमें नंबर बिल्कुल नहीं मिलेंगे, क्योंकि ज्योमेट्री ही फिगर का नाम ही है. बिना फिगर के आप ज्योमेट्री सॉल्व ही नहीं कर सकते हैं. यदि आप ऐसा कर दिए तो ये माना जाएगा कि आपको रटा रटाए क्वेश्चन पढ़ लिए हैं और उसी को लिख दिए. तो इसलिए ज्योमेट्री पोर्शन में फिगर बनाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और खासकर थ्योरम में तो है ही. बिना फिगर के कोई मतलब नहीं है ज्योमेट्री पढ़ने का. तो ध्यान रखिए, कोई भी क्वेश्चन हो ज्योमेट्री पोर्शन का, सबसे पहले उसका आपसे फिगर बनना चाहिए और फिगर के अनुसार ही हमको फिर क्वेश्चन को प्रूफ करना है. फिगर में नामनेशन आप अपने से भी कर सकते हैं. तो इसमें जैसे दिया है प्रूफ दैट द टेंजेंट ड्रा एट द एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर ऑफ ए सर्किल आर पैरेलल. अब चित्र बनाएंगे कैसे इसका? तो अब ये तो आपको पता है कि सर्किल से संबंधित क्वेश्चन है, सर्किल लिखा भी है, तो सर्किल फिगर में बनाया भी जाएगा. तो सबसे पहला काम कि आप इसमें एक सर्किल बनाइए, है ना? तो फिगर में हमने जैसे एक सर्किल लिया, हमने एक फिगर क्वेश्चन के अनुसार थ्योरम के अनुसार एक सर्किल बना लिया. अब क्या बोला है कि सर्किल में डायमीटर होता है, तो डायमीटर तो पता है वो हमेशा सेंटर से ही पास होगा, है ना? और कल हमने बताया था कि जो लाइन सेंटर से पास होती है वो हमेशा डायमीटर कहलाती है, या कि वो लॉन्गेस्ट कार्ड कहलाता है. और किसी भी सर्किल के सेंटर से हम इन्फिनाइट डायमीटर ड्रा कर सकते हैं, है ना? आप तो ये डेफिनेशन पढ़े हैं कि किसी पॉइंट से हम कितनी लाइनें खींच सकते हैं, इन्फिनाइट. तो इसी तरह से हम किसी पॉइंट से इन्फिनाइट डायमीटर भी खींच सकते हैं. तो डायमीटर आपको पता है लॉन्गेस्ट कार्ड को कहते हैं. तो सबसे पहला काम आप डायमीटर बना लीजिए. ये डायमीटर हमने ले लिया. डायमीटर का नाम ए बी हमने लिया, तो ये हमने डायमीटर का नाम ले लिया. अब इतना तो आपको समझ में आ गया क्वेश्चन के अनुसार हमने क्या किया है. एक सर्किल बनाया और डायमीटर का जिक्र है, तो डायमीटर बना दिया. डायमीटर के एंड पॉइंट से हम टेंजेंट लाइन खींचेंगे. एंड पॉइंट डायमीटर यदि हमने ये बनाया है तो एंडिंग पॉइंट एक ये होगा, एक ये. तो इससे आप टेंजेंट बना लीजिए. ध्यान रखिए डायमीटर आप ऐसा भी बना सकते हैं, ऐसा भी, जैसी आपकी इच्छा. तो इसके एंडिंग पॉइंट से हम एक टेंजेंट लाइन ले लिए. ये टेंजेंट लाइन है जो सर्किल को टच करके बाहर हो जाए, तो ये टेंजेंट लाइन हो गई. तो ये हमारा फिगर हो गया. अब इस टेंजेंट लाइन का हम कुछ नाम रख देते हैं. नाम अपने से भी रख सकते हो. तो जैसे मान लीजिए हम ए बी डायमीटर लिए, तो पी क्यू आर एस ये नाम ले लिए, और ये सेंटर ओ हो गया.
तो ये देखिए आपका ये फिगर कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से इसको फिगर बनाना। अब फिगर के अनुसार ही हमको इसमें पूरी चीज लिख देना है। तो फिगर के अनुसार जैसे सबसे पहला, अब यहाँ पे बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि आगे गिवन लिखें कि प्रूफ लिखें कि क्या लिखें। ध्यान रखिए प्रूफ पोर्शन हमेशा पीछे होता है, उसके ऊपर की जो तीन स्टेप होती हैं वो आगे पीछे आप कर सकते हैं। जनरली गिवन लिखना चाहिए है ना, फिर जो दिया गया वो लिखना चाहिए, अब फिर टू प्रूफ करके प्रूफ। लेकिन यदि आपको नहीं समझ में आया तो प्रूफ वर्क को लास्ट में करना है। शुरू की जो तीन स्टेप बचती हैं उनमें आप आगे पीछे जो भी आपको समझ में आए वो कर सकते हैं। गिवन पहले लिखना तो गिवन लिख दीजिए, टू प्रूफ पहले समझ में आ रहा तो टू प्रूफ लिख दीजिए, फिर गिवन लिखिए। यदि आप कोई कंस्ट्रक्शन लेते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं। कंस्ट्रक्शन लेने का मतलब ये कि जब कोई फिगर को हम प्रूफ करते हैं तो कुछ चीजें हम अपनी ओर से ले लेते हैं, तो वो आ जाता है कंस्ट्रक्शन के अंतर्गत। तो इसमें जैसे अभी ये हमने फिगर लिया, फिगर में तो जितना गिवन था वही है, अपने कंस्ट्रक्शन हमने कुछ नहीं लिया है। तो जैसे हम यहाँ शुरू में गिवन जैसे मान लीजिए पॉइंट ले लिए, गिवन पहला पॉइंट है गिवन। अब गिवन में क्या दिया है, गिवन में दिया है कि ये भी एक डायमीटर है और पी क्यू और आर एस जो टेंजेंट लाइन है ना, पी क्यू डायमीटर है गिवन, ए बी इज ए डायमीटर ऑफ द सर्किल। ए बी देखिए ए बी डायमीटर लिए तो वही जो फिगर में वही यहां लिख देना। इसके बाद एंड पी क्यू आर एस आर टेंजेंट, पी क्यू और आर एस हमने टेंजेंट लिया है कहां से, एट पॉइंट ए एंड बी, एट पॉइंट ए एंड बी। तो ये गिवन हो गया। अब गिवन में ध्यान रखिए आप सर्किल लिख रहे हैं तो आपको शुरू में ये भी लिखना चाहिए इन सी ओ आर, ये लिखना चाहिए। इसका मतलब आप जान गए होंगे, सी का मतलब है सर्किल। जैसे हम ट्राइंगल में ट्राइंगल का स्ट्रक्चर बना देते हैं फिर एबीसी लिखते हैं, उसी तरह यदि सर्किल का क्वेश्चन है तो सर्किल के क्वेश्चन का सिंबल ये होता है कि एक सर्किल है, सी मीन सर्किल, जिसका सेंटर ओ है और रेडियस आर है, इसका मतलब ये होता है। तो जैसे आप यहाँ गिवन लिखे हैं तो ध्यान रखिए इन सी ओ आर ये लिखना चाहिए हमको या आप सबको, और उसके बाद फिर ये कि एक सर्किल है जिसका सेंटर ओ है और रेडियस आर है, उसमें ए बी एक डायमीटर, फिर ये क्वेश्चन हो गया। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे, सी मीन्स सर्किल, ओ मीन्स सर्किल का सेंटर, आर मीन्स रेडियस। तो सेंटर से सर्किल के सर्कमफेरेंस तक का डिस्टेंस जो है रेडियस कहलाता है, मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस। तो ये गिवन हम लिख दिए। फिर गिवन के बाद कंस्ट्रक्शन तो लिए नहीं, टू प्रूफ। अब टू प्रूफ हमको प्रूफ क्या करना है कि डायमीटर पैरल होता है। तो डायमीटर का फिगर में कुछ नाम भी है, तो यहां डायमीटर कौन से हैं, पी क्यू और आर एस, ये पैरल होंगी, ये हमें प्रूफ करना है। तो टेंजेंट, तो चूंकि सॉरी ये डायमीटर है और पी क्यू एंड आर एस ए टेंजेंट है, तो डायमीटर के एंडिंग पॉइंट से जो टेंजेंट खींचे हैं वो पैरल होंगी, ये प्रूफ करना है। मतलब कि पी क्यू टेंजेंट पैरल टू आर एस, तो यहां प्रूफ में लिखना है टेंजेंट PQ पैरल टेंजेंट
आर एस, ये हमारा प्रूफ हो गया है ना, माने हमें जो प्रूफ करना है वो लिख दिए। अब अगले स्टेप में हम प्रूफ क्या कर रहे हैं वो लिखना है, तो प्रूफ हम कर रहे हैं यहां, तो प्रूफ ले लीजिए, ये आपकी तीसरी स्टेप हो गई। तो इसमें जो ये दो स्टेप बनती हैं इनको आगे पीछे आप कर सकते हैं, स्टेप कंस्ट्रक्शन भी यदि जब हम अपने से लेते हैं तो उसको भी ऊपर के तीन में ही लिखना चाहिए, प्रूफ हमेशा नीचे होना चाहिए। तो हमारी पहली स्टेप इसमें हो गई गिवन, दूसरी हो गई टू प्रूफ, और तीसरी हो रही है ये, तो थर्ड में प्रूफ करेंगे। तो ये देखिए, आपका एक चीज नहीं बताए थे आपको कल, बेसिक चीज जब समझा रहे थे तो एक सर्किल का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हम नहीं बताए थे, वो इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि किसी सेंटर से कोई भी लाइन यदि हम टेंजेंट में ड्रा करेंगे तो हमेशा वो 90 का एंगल बनाता है या परपेंडिकुलर होता है, ये ध्यान रखिएगा। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है, ये आपको कल हम नहीं बताए थे, दिमाग से हट गया था, आज बता देते हैं। सेंटर से यदि किसी भी टेंजेंट पर आप लाइन ड्रा करेंगे तो हमेशा वो लाइन परपेंडिकुलर होगी, मतलब जैसे ये टेंजेंट है और ये टेंजेंट आप चाहे यहां ले लीजिए, सेंटर से जब टेंजेंट में लाइन ड्रा करेंगे तो हमेशा ये लाइन यहाँ पे परपेंडिकुलर होगी, ये पोर्शन परपेंडिकुलर है ना, तो ये 90 है तो निश्चित है कि ये वाला भी 90 बनेगा, इसी तरह से ये भी 90 बनेगा। तो हमेशा सेंटर टेंजेंट के ऊपर यदि हम सर्किल के सेंटर से कोई लाइन ड्रा कर दें तो वो हमेशा 90 का एंगल बनाता है या परपेंडिकुलर होता है, जैसे यहाँ पे OA परपेंडिकुलर PQ और OB परपेंडिकुलर RS। Hence, OA लाइन किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, टेंजेंट PAQ, टेंजेंट PAQ, आप टेंजेंट का नाम PQ भी लिख सकते हैं, क्योंकि टेंजेंट का नाम हम ये पूरी लाइन लिख रहे हैं तो PAQ लिख दिए हैं, चाहे आप तो PQ वर भी यहां ले सकते हैं। तो OA जो है टेंजेंट PAQ के ऊपर परपेंडिकुलर है, अब परपेंडिकुलर है तो इसलिए एंगल PAO 90 का होगा, कितने का होगा 90 का होगा, क्यों होगा, कारण ऊपर लिखा है, यदि ये नहीं लिखना है ऊपर तो बगल में लिख सकते हैं, ये होगा क्योंकि ये लाइन इस पर परपेंडिकुलर है, इसलिए PAO 90 का बनेगा, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। सेम इसी तरह से इधर ले लीजिए, एंड OB परपेंडिकुलर टेंजेंट, अब इधर का टेंजेंट का क्या नाम है, SBR या RBS, SBR, तो आप टेंजेंट का नाम RBS या SBR चाहे तो बी को छोड़ भी सकते हैं, SR या RS भी लिख सकते हैं ये। तो अब OB जो है इसके ऊपर परपेंडिकुलर है तो इधर भी ये परपेंडिकुलर होगा, तो हम यहां लिख सकते हैं इसलिए एंगल, अब यहां एक चीज और ध्यान रखिएगा, जैसे हम इस एंगल का नाम PAO लिखें, PAO, तो जब यहां से शुरू किए हैं तो हम इस एंगल का यदि नाम लिख रहे हैं तो RBO लिखना चाहिए, R B O 90। अब आपके दिमाग में यह आया होगा कि भाई हम यहां से ये वाला एंगल का नाम लिख रहे हैं पी ए ओ और इधर हम उल्टा क्यों ले रहे हैं, इसका नाम क्यों नहीं लिख रहे हैं एस बी ओ, तो चूंकि हमको लाइन पैरल प्रूफ करना है तो आपको पता है कि यदि हम अल्टरनेट एंगल इक्वल कर ले तो लाइन हमेशा पैरल होती है, आप ये नाइन्थ में बड़ी अच्छे से थ्योरम पढ़ चुके हैं, तो चूंकि हम अल्टरनेट एंगल को बराबर कर रहे हैं है ना पैरल कंडीशन के लिए, इसलिए हम इस एंगल के साथ इसको ले रहे हैं। मान लीजिए इसको लेना है तो ये वाला एस बी ओ ले तो फिर
क्यू ए ओ ले सकते हैं, दोनों कंडीशन ले सकते हैं, है ना। तो लेने का कारण बता दिए, अल्टरनेट एंगल ले रहे हैं हम लोग। तो अब देखिए इक्वेशन 1-2 से दोनों 90 के बन गए, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी है एंगल पी ए ओ एंगल आर बी ओ इक्वल होंगे, है ना, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट एंगल से दोनों 90 के बने तो दोनों एंगल इक्वल होंगे। लेकिन ये दोनों एंगल इतना करने के बाद बहुत बच्चे क्या करते हैं कि लाइन पैरेलल लिख देते हैं। इतना पोर्शन करने के बाद उसे अगली स्टेप में बताइए कि ये 90 के हैं, बराबर हैं ये एंगल, लेकिन साथ में ये अल्टरनेट एंगल भी हैं, ये भी आपको बताना चाहिए। बट दी एंगल्स आर अल्टरनेट एंगल, लेकिन ये एंगल अल्टरनेट एंगल हैं, इसलिए 10 जो प्रूफ करना था वो लिख दीजिए, पीक्यू पैरेलल टेंजेंट पीक्यू पैरेलल आरएस हेंस प्रूव्ड। ये तो ये आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ध्यान रखिएगा, हल्के में मत लीजिएगा, सर्किट के ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और आपका चैप्टर हम थ्योरम से स्टार्ट किए हैं और ये पहली थ्योरम थी, आपको कुल 4 थ्योरम ही हम बताएंगे, और निश्चित है कि यदि थ्योरम से कुछ आएगा सर्किट में तो इन 4 के अंदर ही आपका मिलेगा। तो ये थ्योरम आपको समझ में आ गई होगी, अब अगली थ्योरम लेते हैं। अगली थ्योरम क्या है, अब अगली थ्योरम देखिए, अगली थ्योरम हम पहले से ही इसमें पूरा लिख दिए हैं। कारण इसका ये है लिखने का कि पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन नहीं है, है ना, तो थ्योरेटिकल पोर्शन तो लिख दिया हूँ, आपको समझना है इसको कि क्या लिखा हूँ इसमें और क्यों लिखा हूँ। तो अगली जो थ्योरम आपकी है, ये थ्योरम सेकंड है, पहली बता चुका हूँ, थ्योरम सेकंड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम आपको बताई जा रही, और इसको आप समझ लीजिए, फिर ध्यान रखिए कि आपको रटना नहीं है, आपको जो हम बता रहे हैं वो फंडामेंटल आप ध्यान क्लियर कीजिए, और जो लिखा जा रहा है वो अपनी लैंग्वेज में भी आप लिख सकते हैं थ्योरम। तो इसमें क्वेश्चन में दिया है, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्किल पासेस थ्रू द सेंटर। पहले तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट समझ लीजिए, टेंजेंट में पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट माना किसको जाता है, तो जहां पे परपेंडिकुलर लाइन जहां पे टेंजेंट सर्किल को टच करता है वो कॉन्टेक्ट पॉइंट माना जाता है। जैसे ये एक टेंजेंट है और P जो है इस पॉइंट पे ये लाइन इसको टच की है, मतलब कि P कॉन्टेक्ट पॉइंट हो गया, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से यदि हम कोई भी लाइन या सेंटर से हम कोई भी लाइन टेंजेंट के ऊपर ड्रा करते हैं तो परपेंडिकुलर होता है, तो चूंकि टेंजेंट एक ही पॉइंट पे कॉन्टेक्ट करेगी तो सेंटर से यदि हम उस कॉन्टेक्ट पॉइंट पर लाइन ड्रा करेंगे तो परपेंडिकुलर होगी। तो ये पी पॉइंट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पॉइंट माना जाता है टेंजेंट का। तो प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्किल पासेस थ्रू द सेंटर। तो क्वेश्चन ये बोला है कि जो टेंजेंट का कॉन्टेक्ट पॉइंट है जिससे कोई लाइन हम ड्रा करें तो हमेशा वो सर्किल के सेंटर से निकलेगा, ये हमको प्रूफ करना है। तो हमने इसमें देखिए 2 लाइन इसमें ली हैं, है ना, क्योंकि कॉन्टेक्ट पॉइंट तो हमको पता है परपेंडिकुलर होता है तो सेंटर से ही पास होगा, है ना, बहुत बच्चे
जबरदस्ती या जबरपेली वाली बात करते हैं और कहते हैं सब थ्योरम ही है तो निकलेगा ही ना, तो उसको हमें यहाँ प्रूफ करना है। निकलेगा तो कैसे निकलेगा, क्या कारण है, कारण आपको मेन बताना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक अपने से जबरदस्ती वाली बात मान लेते हैं कि चलो एक दूसरी लाइन है वो भी सेंटर से जाती है, ये हम यहाँ मान के चलते हैं। जैसे हम लोग इरेशनल नंबर में प्रूफ किए थे कि पी क्यू जो है को प्राइम है और जबरदस्ती हम दोनों से डिवाइड कर लेते थे किसी विशेष नंबर से और फिर विरोधाभास उसका लिखते थे, इसी तरह से इसमें भी। तो ये हमको प्रूफ करना है। ये फिगर है आपका, ठीक, फिगर में आपको जो दिया गया है वो रेड लाइन से हम बना दिए हैं कि इसमें जो पी क्यू लाइन है वो क्या है, सेंटर से गुजरती है, माने ये वाली लाइन ऐसे जाती है, माने इसके बीच से जाती है। तो दोनों लाइन को अलग दिखाना था इसलिए हमने इसको अलग अलग बनाया है, ठीक। तो गिवन में दिया है इन सर्किल सी ओ आर, सी ओ आर का मतलब आपको बता दिए, सी मीन सर्किल, ओ मीन्स सर्किल का सेंटर, आर सर्किल का रेडियस होता है, ये सर्किल का सिंबल कहलाता है। तो इन सर्किल सी ओ आर, एक सर्किल जिसका सेंटर ओ है और रेडियस आर है, उसमें हमने ओ को सेंटर माना है और उस सेंटर से सेंटर ऑफ द सर्किल एंड ए बी इज टेंजेंट, यहाँ पे ओ सेंटर है और ए बी जो है एक टेंजेंट लाइन लिया है। तो सेंटर से कोई लाइन ड्रा होगी तो परपेंडिकुलर होगी। तो यहां देखिए ये क्यूपी परपेंडिकुलर, हियर ए पॉइंट ऑफ पी एंड क्यूपी परपेंडिकुलर ए बी, पी कांटेक्ट पॉइंट है और कांटेक्ट पॉइंट से एक लाइन ड्रा किए हैं, तो ये जो लाइन गई है वास्तव में ये ऐसी है, ध्यान रखिएगा ये अलग से बताने के लिए लिखे हैं, वास्तव में ये लाइन ऐसी गई है पी क्यू। तो दोनों को अलग अलग स्थित बताने के लिए हमने ये पोजीशन ले लिया है, तो ये दोनों अलग ना होके एक ही के ऊपर है। तो क्यूपी परपेंडिकुलर ए बी ये क्वेश्चन में दिया गया है कि क्यूपी जो है सेंटर से जाती है ये, ठीक। तो ये तो गिवन हो गया क्यूपी परपेंडिकुलर ए बी, क्यों, क्योंकि हमेशा टेंजेंट जो है सेंटर से 90 का एंगल बनाता है, इसलिए यदि क्यूपी लाइन सेंटर से जाएगी तो टेंजेंट के ऊपर हमेशा परपेंडिकुलर होगी। तो क्यूपी परपेंडिकुलर ए बी ये गिवन में हो गया, इतना क्वेश्चन में दिया गया है ना, ये थ्योरेटिकल पोर्शन लिया है। आप मैथमेटिकल अब इसको डिटेल में जा रहे हैं, इसको डिटेल से इसको प्रूफ कर रहे हैं, तो हमको अपने से कोई ना कोई वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो इसके अकॉर्डिंग हमने ले लिया कि क्यूपी जो है ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है, ये तो क्वेश्चन में हम गिवन ले लिए। प्रूफ क्या करना है, पी क्यू पासेस थ्रू द पॉइंट ओ, पी क्यू जो है सर्किल के सेंटर से निकलेगी, ये हमको प्रूफ करना है। तो ये प्रूफ करेंगे, ये प्रूफ तभी होगा जब क्यूपी परपेंडिकुलर ए बी होगा, क्योंकि टेंजेंट है सेंटर से, हमेशा सेंटर से कोई लाइन ड्रा करेंगे तो हमेशा टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होगा, माने सेंटर से ही पास होगी। तो प्रूफ, लेट पी क्यू डज नॉट पासेस थ्रू द सेंटर ओ। अब यहां से हम उल्टा मान रहे हैं, इतना तो दिया है क्वेश्चन में, अब हम यहाँ पे ये मान के चलते हैं कि पी क्यू जो है सेंटर ओ से नहीं क्रॉस हो रही, मतलब कि कहीं अलग से जा रही। तो लेट पी क्यू डज नॉट पासेस थ्रू द सेंटर ओ, मान लिए कि पी क्यू जो है सेंटर ओ से पास नहीं हो रही, जो हम ये लाइन क्यू पी या पी क्यू लिए हैं इसको हम क्या मान लिए कि ये लाइन सेंटर से नहीं निकल रही है। तो जब नहीं निकल रही है तो हम एक अलग लाइन ले लिए। देन आल्सो लेट ओपी, देन आल्सो लेट ओपी पासेस थ्रू द सेंटर ओ। तो यदि पी क्यू सेंटर से नहीं निकल रही है तो हम मान लिए कि ओपी लाइन सेंटर से निकलती, मतलब कि ये लाइन सेंटर से निकल रही है। तो यदि ओपी लाइन सेंटर से निकलेगी तो मतलब कि यही कंडीशन लागू होगी, ओपी परपेंडिकुलर ए बी, मतलब सेंटर से कोई भी लाइन निकलेगी वो टेंजेंट के ऊपर हमेशा परपेंडिकुलर ही होगी। तो यदि हम यहाँ पे ओपी को मान लिए कि सेंटर से निकलती है
तो इसका मतलब ये हुआ कि ओपी भी एबी के ऊपर क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। और यदि क्यूपी सेंटर से निकलती है तो क्यूपी भी एबी के ऊपर परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो ये तो क्वेश्चन में आपको दिया गया और ये हमने अपने अजेप्शन से मान लिया कि पीक्यू नहीं निकलती है, चलो ओपी निकलती है। अब देखिए दोनों क्वेश्चन इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड यदि लेंगे तो दोनों ही लाइन एबी के ऊपर परपेंडिकुलर हो रही हैं, मतलब क्यूपी और ओपी जो है एबी के ऊपर क्या हो रही हैं, परपेंडिकुलर। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, है ना, क्योंकि हम किसी भी एक पॉइंट से किसी सेम डायरेक्शन में दो परपेंडिकुलर लाइन एक पॉइंट से नहीं खींच सकते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए ये एक लाइन यहां से, अब हम आपको बोल दें कि आपको ऊपर की ओर ही परपेंडिकुलर लाइन खींचना है और ए ही पॉइंट से खींचना है, किस पॉइंट से खींचना है, ए पॉइंट से। तो आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, एक लाइन बनाएंगे फिर दूसरी भी बनाएंगे, हम शर्त रख दिए कि यहीं से खींचना है और ऊपर की ओर ही खींचना है, तो आप फिर से यदि यहीं से खींचेंगे तो वो लाइन भी इसी के ऊपर से गुजरेगी, तीसरी लाइन खींचेंगे तो वो भी इसी के ऊपर से गुजरेगी। माने आप कितनी भी लाइन उस पॉइंट से खींचे, सभी लाइन उसी रास्ते से गुजरेंगी जहां से आपकी पहली वाली लाइन गुजरी थी। तो कहने का मतलब ये कि क्यूपी और ओपी दोनों यदि परपेंडिकुलर हैं तो मतलब ये कि ये अलग अलग लाइन तो हो नहीं सकती हैं, ये एक के ऊपर से ही एक जा रही है, माने इनकी इनका रास्ता यही है ना, लाइन छोटी बड़ी हो सकती है। तो इन दोनों इक्वेशन से क्या आ गया कि दोनों ही लाइन ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। हियर क्यूपी एंड ओपी आर कॉन्सिस्टेंट, है ना, वास्तव में ये दोनों जो लाइन है अलग अलग ना होके कॉन्सिस्टेंट, कॉन्सिस्टेंट के ऊपर एक दूसरे के ऊपर, मतलब कि संपाति, जैसे एक लाइन मान लीजिए ए बी खींचे और इसी के ऊपर आप पी क्यू खींच दें, तो एक दूसरे के ऊपर जो लाइन चढ़ जाए ना दिखे तो वो कॉन्सिस्टेंट कहलाती। तो वास्तव में ये दोनों लाइन अलग अलग ना होके कॉन्सिस्टेंट है, मतलब कि एक दूसरे के ऊपर ही है, है ना। Therefore our assumption is wrong, इसलिए हमारी मान्यता गलत है। कि क्या गलत है, हम जो मान के चल रहे हैं कि OP परपेंडिकुलर AB, है ना, क्योंकि दोनों को हम कॉन्सिस्टेंट बता दिए, एक ही पॉइंट से हम दो परपेंडिकुलर लाइन ड्रा नहीं कर सकते हैं, तो मतलब हम जो मान के चल रहे हैं कि OP AB के ऊपर परपेंडिकुलर होगी वो गलत। यही चीज यहाँ लिखी, दिस इज नॉट पॉसिबल, हियर क्यूपी एंड ओपी आर कॉन्सिस्टेंट, देयरफॉर आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, देयर आर कैन नॉट बी टू परपेंडिकुलर लाइन, बी टू परपेंडिकुलर ड्रा थ्रू ए पॉइंट ऑन ए लाइन ऑन द सेम साइड, क्योंकि हम किसी भी एक पॉइंट से सेम डायरेक्शन में दो अलग अलग परपेंडिकुलर लाइन नहीं खींच सकते हैं। दस मतलब तो नहीं खींच सकते हैं, तो दस का मतलब यहां पी क्यू पासेस थ्रू द पॉइंट ओ द सेंटर ऑफ ए सर्किल, इसलिए पी क्यू लाइन ही ओ से पास होगी, यही हमको प्रूफ करना था, ये आपका यहां ये प्रूफ होगा, हेंस प्रूफ। तो ये आपकी सेकंड थ्योरम थी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थ्योरम आप अच्छे से समझ लीजिए, भाषा आप अपनी यूज कर सकते हैं, ये पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन है, दो इक्वेशन के बाद एक गिवन में ये है और ये आप अपने से लेंगे फिर ये उसमें केस लिखेंगे। तो ये आपकी सेकंड थ्योरम हुई, अब तीसरी थ्योरम लेते हैं, देखते हैं तीसरी थ्योरम क्या है आपकी। अगली थ्योरम है प्रूव दैट द लेंथ ऑफ टू ड्रा फ्रॉम ए एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्किल आर इक्वल, यदि हम दो लेंथ को इन्हें किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट से सर्किल पर कोई दो लेंथ ले लें, दो लेंथ का मतलब कि कोई भी दो टेंजेंट, है ना, यहां लेंथ लिखे हैं,
तो यदि हम एक्सटर्नल पॉइंट से सर्किल के ऊपर कोई दो लाइन ड्रा करें तो दोनों लाइन इक्वल होती हैं। कल आपको हम बताए थे कि एक्सटर्नल पॉइंट से हम सर्किल के ऊपर सिर्फ दो ही टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं और दोनों ही टेंजेंट हमेशा इक्वल होते हैं। ये थ्योरम है, इसको भी प्रूव करते हैं। प्रूव दैट द लेंथ ऑफ टू ड्रा फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट। तो यदि हम किसी दो लेंथ लिखा है, ध्यान रखिएगा लेंथ लिख दिए हैं, लाइन न लिख के हमने लेंथ लिखा है। लाइन भी हो सकता है कि हम किसी एक्सटर्नल पॉइंट से दो लाइन ड्रा करें किसी सर्किल के ऊपर, तो दोनों ही लेंथ या दोनों ही लाइन आपस में बराबर होंगी। तो जो लाइन टेंजेंट का काम करती हैं, टच करके निकलती हैं, उन्हें हम टेंजेंट लाइन बोलते हैं। तो इसमें फिगर आगे हम ले बनाते हैं। इसमें तो सर्किल से संबंधित है, तो आगे तो एक सर्किल आप बना लीजिए। जैसे हम ये सर्किल ले लिए, ये एक सर्किल लिए, इसका सेंटर ओ ले लिए। तो ये तो सर्किल का सेंटर है, सेंटर ओ लिए यहां पे। ये इस तरह से मान लीजिए एक सर्किल लिए। अब सर्किल के किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, मान लीजिए ये एक एक्सटर्नल पॉइंट हमने ए लिया। अब इस एक्सटर्नल पॉइंट से सर्किल के ऊपर कोई दो लेंथ ले लेते हैं या कोई दो लाइन ड्रा करते हैं। तो जैसे मान लीजिए हम यहां से लाइन ड्रा कर रहे हैं, तो एक्सटर्नल पॉइंट से तो एक लाइन तो हम और लेना है टेंजेंट लाइन। ध्यान रखिएगा कोई लाइन का मतलब यहाँ टेंजेंट लाइन लेना है। ये जैसे ले लिए तो एक लाइन तो हमने ये ले लिया, ठीक। दूसरा भी एक लाइन, इससे हम दो टेंजेंट खींच सकते हैं। तो मान लीजिए एक ऐसे जाएगी इधर से, ये ऐसे टच करके बाहर चली जाएगी। तो इस लाइन का नाम मान लीजिए ए पी और ए क्यू ले लिए, ये क्वेश्चन में दिया। तो टेंजेंट लाइन है, देखिए यहां हम कट कर दिए, ये हम ऊपर से इसको इस तरह से बनाए दे रहे हैं। ये तो ये एक टेंजेंट लाइन है। तो अब इस पॉइंट से हम जो ये दो टेंजेंट खींचे हैं, तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जहां से ये कॉन्टेक्ट पॉइंट है, ये सर्किल को जहां टच करे वो कॉन्टेक्ट पॉइंट है। तो मान लीजिए ये M कॉन्टेक्ट पॉइंट हो गया और इसका M कॉन्टेक्ट पॉइंट हो गया। तो मतलब कि AM और AN इक्वल है, ये हमको प्रूफ करना है। नॉमिनेशन आप अपने से ले सकते हैं। तो अब इसमें देखिए, इसको हमें प्रूफ करेंगे तो इसमें तो कुछ खाली है ही नहीं, इतना दिया है तो इस निश्चित है कि इसमें हमें कुछ कंस्ट्रक्शन लेना पड़ेगा। ये तो इतना क्वेश्चन के अनुसार हमने फिगर बना दिया है। लेंथ ऑफ टू ड्रा, लेंथ ऑफ टू ड्रा का मतलब यहाँ पे ये है कि दो लेंथ लीजिए एक्सटर्नल पॉइंट से, लेंथ लेंगे तो मतलब लाइन ही ड्रा करेंगे। तो एक एक्सटर्नल पॉइंट आपका ए हो गया, इस पॉइंट से हम दो टेंजेंट लेंथ ले लिए हैं और अब हमको ये प्रूफ करना है कि ये जो जो दो हम लेंथ लिए हैं उसमें ए एम और ए एन आपस में इक्वल होंगे। ध्यान रखिए टेंजेंट अपने कांटेक्ट पॉइंट से ही इक्वल होता है, यानी लाइन तो असीमित होती है, तो कांटेक्ट पॉइंट से हम हमेशा इसको ऑब्जर्व करते हैं। तो हम अब कंस्ट्रक्शन लेते हैं। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में, जैसे ये तो सर्किल का सेंटर था, तो यहां से इसको हम मिला देते हैं। जैसे ये ज्वाइन कर दिए, यहां से M को भी ज्वाइन कर दिए, सेंटर को यहां लिख लीजिए, ये यहां पे हम ये पॉइंट ज्वाइन कर लिए। तो ये देखिए ये टेंजेंट है। अभी आपको एक थ्योरम पढ़ाए थे कि हमेशा टेंजेंट जो है सेंटर से 90 का एंगल बनाता है, सेंटर से कोई लाइन। तो मतलब कि ये वाली वैल्यू 90 बनेगी और ये भी 90 बनेगी, इसको भी ज्वाइन कर दीजिए, ये हमारा कंस्ट्रक्शन में आ जाएगा। तो इसमें देखिए, इस फिगर में हमने
अपने से इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए कंस्ट्रक्शन लिया है। तो कंस्ट्रक्शन में क्या अपने से लिया है, डैश लाइन में आपको दिख रहा है। तो यहां पे हमें प्रूफ करना है, गिवन ये फिगर हो गया आपका, तो गिवन में दिया गया है टेंजेंट एम माने एक्सटर्नल पॉइंट से हम दो लाइन जो ड्रा किए हैं, तो यहां पे एम और एन लाइन दो टेंजेंट ऑलरेडी दी गई हैं। तो यहां पे दिया क्या गया, दो टेंजेंट दिए गए हैं गिवन, एम एंड एन, टू टेंजेंट ऑन द सी सर्किल। अब सर्किल का नाम हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, दो टेंजेंट हैं ए एम और यहां पे दो टेंजेंट हमने क्या लिया ए एम और ए एन, दो टेंजेंट हैं ऑन द सर्किल सी हुआ, सर्किल के ऊपर हमने दो टेंजेंट लिया, उस टेंजेंट का नाम है ए एम और ए एन। किस पॉइंट से लिया, एट एक्सटर्नल पॉइंट ए, एक्सटर्नल पॉइंट ए से हम दो टेंजेंट सर्किल के ऊपर ड्रा किए, ये क्वेश्चन में दिया है। तो ए एम और ए एन दो टेंजेंट हैं सर्किल के ऊपर, और किस पॉइंट से एक्सटर्नल, कहां से ये टेंजेंट लिए हैं, एट एक्सटर्नल पॉइंट ए या फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ए, फ्रॉम कर लीजिए, फ्रॉम ज्यादा सही है। एक्सटर्नल पॉइंट ए से दो टेंजेंट हमने सर्किल के ऊपर ले लिए, है ना, एक्सटर्नल पॉइंट ए है इसके, यहां से हमने दो टेंजेंट ड्रा किए, तो मतलब ए एम और ए एन किसके ऊपर आए, सर्किल के ऊपर। अब कंस्ट्रक्शन इसमें वो होगा, क्यों, क्योंकि हमने ये अपने से बनाया है। तो ज्वाइन ओएम ओएम एंड ओए, इनको हमने मिला दिया, तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया, है ना। अब कंस्ट्रक्शन अपने से भी कुछ लिख सकते हैं, माने दूसरे ढंग से भी लिख सकते हैं, हमने जैसे ज्वाइन लिख दिया, आप लिख सकते हैं कि हम ओ से एम को मिलाया, फिर ओ से एम को मिलाया, तो यदि हम ओएन लिख दिए हैं मतलब कि ओ से एम को ही मिला रहे हैं, तो ये हमारा स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन हो गया। इसके बाद अब हम प्रूफ करेंगे, गिवन हो गया, अब हमको प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ करेंगे कि जो हम एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट लिए हैं वो बराबर होते हैं, टेंजेंट ए एम इक्वल टेंजेंट ए एन, ये हमको प्रूफ करना है। तो ये आपकी तीसरी स्टेप हो गई फिगर के बाद, अब यहां से हम प्रूफ करेंगे, क्वेश्चन जो दिया गया है उसको प्रूफ करेंगे। प्रूफ क्या करेंगे कि टेंजेंट एम और एम बराबर होते हैं। तो इन ट्राई एंगल, अब जैसे हमको एम और एन प्रूफ करना, तो ये देखिए दो ट्राई एंगल बन रहे हैं ए ओ एम और ए ओ एम, इन दोनों ट्राई एंगलों को यदि हम कांग्रेस प्रूफ कर दें तो ऑलरेडी एम एन के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस का मतलब आप जानते हैं कि एग्जैक्ट पार्ट आर इक्वल होता है,
हर एक पॉइंट पे वो बराबर होता है। तो हम इसमें AM इक्वल टू AN को प्रूफ करने के लिए इसमें कांग्रेंस, दोनों ट्राइंगलों को हम कांग्रेंस प्रूफ करेंगे। ट्राइंगल का नाम क्या है? AMO और AON। तो AOM एंड ट्राइंगल AON, ये दो ट्राइंगल लिए, इन दोनों ट्राइंगल को हम कांग्रेंस प्रूफ करेंगे। तो इसमें देखिए, कांग्रेंस को प्रूफ करने के लिए कोई तीन रूल लगाना पड़ता है, कोई तीन इसके साइडों को या एंगलों को प्रूफ करना पड़ता है। तो इसमें देखिए हम क्या लिख सकते हैं, एंगल AM एंगल M के इक्वल होगा। तो एंगल ANO इक्वल एंगल AMO, ये एंगल बराबर होंगे। क्यों? अभी थ्योरम पढ़े हैं कि सेंटर से कोई भी लाइन टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है। तो यहां हम कारण लिख सकते हैं, OM परपेंडिकुलर AM एंड ON परपेंडिकुलर AM। क्यों परपेंडिकुलर होगी आपको बता चुके हैं, सेंटर से टेंजेंट के ऊपर कोई भी लाइन ड्रा करेंगे वो हमेशा परपेंडिकुलर, ये हो गया। आप बगल में इसके 90 भी लिख सकते हैं, ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन है OM और ON आपस में बराबर होंगे, ON इक्वल OM। क्यों होंगे? कारण में ध्यान रखिएगा, जब कांग्रेंस आप प्रूव करते हैं तो जबरदस्ती नहीं लिख देना कि ये इसी के बराबर होगा। यदि वो उसके बराबर है तो क्यों है, कारण जरूर दीजिए। यदि कारण नहीं दिए तो आपको आपका ये लिखना व्यर्थ है ना। तो कारण देना बहुत जरूरी है। तो ON और OM इक्वल है क्योंकि रेडियस ऑफ द सर्किल, ये एक ही सर्किल के दोनों रेडियस है। ये देखिए सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस, ये रेडियस हुई और ये, तो चूंकि एक ही सर्किल के दोनों रेडियस है तो रेडियस ऑफ द रेडियस ऑफ ए सर्किल, क्योंकि ये एक ही सर्किल के रेडियस है। या रेडियस की जगह रेडियस का प्यूरल रेडाई भी लिख सकते हैं आप यहां पे। अब ये दो हो गया, दो चीज मिली। तीसरी चीज है OA कॉमन है दोनों ट्राइंगल में, तो OA इक्वल टू OA कॉमन साइड, ये कॉमन साइड। तो बाय ASN, अब देखिए यहां कौन सा रूल लग रहा है, हमने दो साइड और एक एंगल प्रूव किया है, मतलब कि साइड एंगल साइड रूल लग रहा है। बहुत बच्चे इसमें RHS रूल भी बोल सकते हैं, राइट ट्राइंगल रूल भी लगा सकते हैं आप। तो हमने यहां SAS ये रूल लगा, वी है साइड एंगल साइड रूल से हम क्या पाते हैं, बाय SAS रूल वी हैव ट्राई एंगल, जो यहां नाम लिखे वही यहां होना चाहिए, AOM कांग्रुएंस ट्राई एंगल AOM। तो SAS रूल से ट्राई एंगल हमारा क्या हो गया, कांग्रुएंस हो गया। तो जब इसके हर एक पार्ट आपस में बराबर हो गए तो निश्चित है कि AM AN के बराबर ही होगा। देन AM इक्वल AN किस रूल से, बाय CPCT। तो अब हम ये लाइन बराबर कर लिए,
दस। टेंजेंट क्यों, ये कौन सी लाइन है, टेंजेंट है, टेंजेंट ए एम इक्वल टेंजेंट ए एम, हेंस टू यही हमको प्रूफ करना था। तो ये भी थ्योरम आपकी कंप्लीट हो गई। अब एक थ्योरम और बची है, उसे भी आप देख लीजिए। अगली थ्योरम देखते हैं कौन सी है। ओके स्टूडेंट, अगली थ्योरम आप नहीं बता पाएंगे, समय ज्यादा हो गया है। आज ये तीन ही थ्योरम है, अगली थ्योरम अगले चैप्टर अगले लेक्चर में लेंगे, मतलब कि कल लेंगे। तो तब तक के लिए स्टूडेंट हैव ए नाइस डे। यदि आपको ये सब समझ में आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और यदि नहीं आ रहा तो ऑलरेडी हमें पता है कि आप नहीं सब्सक्राइब करेंगे, और यदि हमारा पढ़ाना आपको सही लग रहा है, समझ में आ रहा, तो बिल्कुल आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, हैव ए नाइस डे।